तो माइक नहीं लगाती? नहीं। Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So guys, in today's video, I am going to share my Meesho Western Wear haul. So basically, मेरे पास ना एक combined haul है. यहाँ पे मेरे पास footwear भी है, you know, two piece sets है, shirt है and skirt and all. Winter के लिए भी stuff है. कुछ ऐसे stuff है जो essential था, मुझे buy करना था, इसलिए मैंने buy भी किया. तो मैंने सोचा कि क्यों ना share कर दे. In total 6 item है मेरे पास. और मैंने recent में Meesho का winter wear haul share किया था. वो like उसमें सभी winter wear ही था, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड गाइस, सभी का जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड प्रोडक्ट आपको यहाँ इस जगह पे मिलेगा, सो डोंट वरी. एंड उनकी फोटो क्यों कैसे लग रहे थे वो आपको इधर मिलेगा, और ट्रायन आपको इधर मिलेगा. ओके, लाइक उनकी फोटो कैसे लग रहे थे, मीशो पे कैसे लग रहे थे. सो लेट्स स्टार्ट. आज मुझे थोड़ा कैमरा एंगल चेंज किया है मेरे ब्रदर ने, क्योंकि उसको उसने बोला कि जो तेरा एंगल है ना वो ठीक नहीं लगता, थोड़ा और अच्छा करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने ये पफर जैकेट वेयर किया हुआ है, ये मैंने रेड टेप से बाय की है. सेम मेरी फ्रेंड के पास ऐसा था, तो मैंने रेड टेप से सेम अपने लिए भी बाय कर लिया, बिकॉज मुझे बहुत 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 पसंद आई थी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम बात करते हैं शर्ट की. एंड ये शर्ट जो है थोड़ी डर्टी हो रखी है, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने इसको वेयर किया था, एंड उसके बाद वॉश करने का टाइम नहीं मिल पाया. सो दिस इज हाउ द शर्ट लुक्स लाइक. आजकल ये ना बहुत ही ज्यादा चल रहा है, लाइक डेनिम के साथ आपको इस टाइप का कुछ कोरियन शर्ट्स बेसिकली, तो आपको ना कुछ इस टाइप का लुक मिलेगा. लाइक यहाँ पे आपको डेनिम मिलेगा, एक साइड में आपको ये ब्लैक कॉटन का फैब्रिक है, ये बिल्कुल कॉटन वाला फैब्रिक है, तो काफी अच्छा फैब्रिक है. देन आपको एक कॉलर डिटेलिंग मिलेगा, लाइक फुल शर्ट वाला लुक आता है. एंड आपको इस साइड कुछ इस टाइप की फुल स्लीव्स मिलती है, जिसको मैंने जस्ट ऐसे फोल्ड करा हुआ है, एंड इस साइड मैंने फोल्ड कर लिया. तो ये आपको कुछ इस टाइप का तो स्टार्टिंग में लाइक लुक मिलेगा. एंड आपको ये वाला पॉकेट वाला इल्यूजन मिलेगा इस साइड, और इस साइड भी आपको ये वाला पॉकेट वाला इल्यूजन मिल रहा है. तो ये दोनों पॉकेट नहीं है, इट्स जस्ट अ इल्यूजन. उसके बाद और फुल आपको बटन लुक मिलेगा शर्ट में. देन आपको बॉटम में ना ये वाला लुक मिलेगा यहाँ पे, की ये वाली चीज. तो जो डेनिम साइड है ना, उसमें ये ब्लैक फैब्रिक निकल के आ रहा है, जिससे कि ऐसा लगे लाइक पुट टुगेदर कर दिया है सभी चीज को, ऐसा ना लगे कि यार अलग अलग से क्या चीज है. तो वो वाला सीन है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है. ट्रायल में आपको बेटर आइडिया मिल पाएगा कि कैसे इसका लुक आएगा. और बैक से अगेन ये सेम कुछ इस टाइप की आपको लुक देगी. सो ये मुझे काफी अच्छी लगी. थोड़ा सा जो ब्लैक फैब्रिक है वो डस्ट को बहुत ज्यादा ही कैच कर रहा है. ब्लैक तो कैच करते हैं डस्ट को, बट ये बहुत ज्यादा कैच कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा डर्टी लग रहा है. सो ये चीज है, ठीक है. इसमें मतलब वो नहीं होता, ऐसे अलग से ही लग रहा है, थोड़ा सा डर्टी लग रहा है. एनीवेज, इसके साथ आपको एक डेनिम में बेल्ट भी रिसीव होगा, जो कि मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रख दिया, बिकॉज मेरा आपको नहीं पता चलता. मैं मतलब इधर उधर सब चीजें ऐसे रख देती हूँ, इसलिए इसके साथ एक डेनिम बेल्ट भी रिसीव होगा, जिससे इसका लुक और इनहेंस हो जाएगा. मैं इसको आपके को शॉर्ट्स के साथ यू नो स्टाइल करके दिखाऊंगी. शॉर्ट्स, बूट्स एंड ब्लैक बेल्ट जो मेरे पास है अभी, वो मैं इसको लगा लूंगी इस पे. बट इसके साथ एक डेनिम का बेल्ट आएगा, ये चीज मैं बता देती हूँ. ये कुछ 450 समथिंग की थी, एंड उसके अकॉर्डिंग बॉम डिगी डॉम है, मतलब बेस्ट है. और विंटर में कैसे स्टाइल कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी थर्मल वेयर कर लो एंड यू आर सॉर्टेड. तो मुझे बहुत बेस्ट लगी. एनीवेज, यहाँ पे मेरा बैग में ना फोन रखा हुआ है, तो प्राइस भी आपको देख देख के बता देती हूँ, बिकॉज बेटर रहेगा. ओके ओके, माना तू है ठीक, जहां से होना चाहिए वहीं से है ठीक. क्या एनीवेज, इसका मैं प्राइस आपको फिक्स प्राइस बताती हूँ. 491 की है ये, एंड काफी अच्छी इसमें व्हाइट कलर भी मिल जाएगा, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. मुझे ये बहुत पसंद आई. नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे ये स्टॉकिंग्स में, जो कि विंटर के लिए बहुत असेंशियल है. मैंने उस विंटर हॉल में आप लोग के साथ शेयर किया था ट्रांसपेरेंट ब्लैक स्टॉकिंग्स. इस टाइम मैंने ये वाले जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है ना, वो इस टाइप की यू नो स्टॉकिंग आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही है. तो ये कुछ मुझे 600 समथिंग की यू नो रिसीव हुई थी. एंड इसके अंदर कुछ इस टाइप का यू नो थिक सा फैब्रिक होता है, बहुत सॉफ्ट सा, जिससे कि ये बहुत वार्म रहती है एंड आपको बहुत ही वार्म प्रोवाइड करती है. हर किसी को ना स्कर्ट वगैरह वेयर करना बहुत अच्छा लगता है, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज मुझे स्कर्ट और शॉर्ट स्कर्ट्स ये सब पहनना पसंद है, लाइक विंटर और समर हो ऑलवेज. मुझे मैं ना फुल ऐसे जीन्स वगैरह पहन के थोड़ा बोर हो जाती हूँ. मुझे लगता है यार कुछ तो चाहिए मुझे लाइफ में, क्योंकि मेरी शॉर्ट हाइट है, तो मेरे पे ना स्कर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह ज्यादा बेटर लगते हैं. सो इसलिए आप अगर विंटर में भी स्टाइल करते हैं एंड ठंड भी लगती है, सेहते रहते हैं, बट अब आपको ऐसा सहना नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी हैव दिस
थिंग राइट हियर। तो ये स्टॉकिंग्स है, मतलब ये ना स्किन लाइक लगती है, एंड उसके ऊपर आप फिर वो ब्लैक ट्रांसपेरेंट स्टॉकिंग्स को वेयर कर लो एंड या गुड टू गो। आप ऐसा लगेगा कि स्किन लाइक है एंड आपको यू नो सर्दी भी नहीं लगेगी और आप स्टाइल भी मार पाओगे और मजा आएगा। सो आई लव इट, बेस्ट प्रोडक्ट लगा मुझे मीशो का ये, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है इसके अंदर से भी एंड काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो आपको ज्वाइन भी मिल पाएगा इनका, सो डू चेक इट आउट। ओके, नेक्स्ट आई हैव दिस स्लीपर्स राइट हियर। तो ये फ्लिप फ्लॉप मैंने बाय की है, लाइक ये ना ऐसी वाली मुझे बाय करनी थी, थोड़ा प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ, बिकॉज मेरा कहीं जाने का थोड़ा सीन बन रहा था एंड मुझे ऐसा ही कुछ फुटवेयर में चाहिए था। कलर मैंने डिफरेंट ऑर्डर किया था, रिसीव मुझे डिफरेंट हुआ, मैंने कुछ सी ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर ऑर्डर किया था या ब्लू किया था, आई डोंट रिमेम्बर। तो आपको पिक मिल जाएगी कि मैंने क्या कलर ऑर्डर किया था, बट ये कलर यू नो येलो है, चटैक वाला येलो, बट ये भी क्यूट लग रहा है। स्टिल मैं इसको एक्सचेंज करने वाली हूँ बिकॉज मेरा साइज है 38 एंड इसमें मेरे को रिसीव है 35-36 साइज। मैंने 38 साइज ऑर्डर किया था इसलिए मुझे थोड़ा सी छोटू है, आप ट्रायल में भी देख पाओगे हल्की सी छोटी आ रही है, तो इसका जैसे इसका लुक इतना अच्छा नहीं आ पा रहा। बात करें इनकी भी बहुत ही बढ़िया वाली फ्लिप फ्लॉप्स है, इसका प्राइस कुछ 250 समथिंग का, 250 के अकॉर्डिंग बॉम वाला लुक ये दे रही है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इसमें मेंशन है कूल एंड प्लास्टिक की सॉर्ट ऑफ है, और इसमें ना ये वाला प्लेटफॉर्म, ये वाला जो लुक मिल रहा है, थोड़ा सा हील भी मिल जाती है। सो जैसे मैंने बताया मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ, तो मेरे लिए तो सुबहाना मतलब क्या बोलते हैं सोने पे सुहागा हो गया, तो ये मुझे काफी पसंद आई। तो कूल इन पे मेंशन है, ये येलो कलर भी काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है, यू कैन सी काफी सुंदर लग रहा है। ओके, सो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। इस पे जो लुक बना हुआ ना, ये ऑल इसके साथ ये प्लास्टिक वाला लुक है, तो बहुत सुंदर सा लुक है इसका। कलर ये भी बहुत सुंदर है, और इसमें कलर ऑप्शन ब्लैक थे, ब्लू था, ग्रीन था, रेड था, मतलब बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, तो आप जो भी कलर बाय करना चाहे उसके लिए जा सकते हैं। सो दैट्स इट, ब्लैक भी बाय कर सकते हैं बिकॉज ब्लैक तो हर किसी के साथ चल जाएगा। सो ये हमारा सेकंड थर्ड आइटम था। नेक्स्ट मूव ऑन करते एक सेट पे, जो कि विंटर के लिए मैंने स्पेशली बाय किया और इसको मैंने पहन भी लिया। ये कुछ इस टाइप का सेट है, इसके साथ आपको यू नो क्रॉप लुक में आपको मिलेगा अपर वेयर एंड इसके साथ ये बॉटम्स आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही सुंदर वो पजामा वाला लुक आपको देने वाले है, और उसका फैब्रिक जो है वो क्रेप है, तो बहुत सुंदर मुझे ये सेट लग रहा था। इसका मतलब इस पे ये थोड़ा सा ना, ये देखो आप कितने सारे मतलब ऐसे कलरफुल सा ये प्रिंट सा हो रखा है ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो जब मैंने इसको देखा, वैसे तो इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे थे बट मेरे को ये बहुत अट्रैक्ट किया इसलिए मैंने इसको बाय किया। अभी तक इसको एक ही बार वेयर किया, आपको पिक मिल जाएगी मैंने कहाँ पे इसको वेयर किया था, एंड उसके बाद मैंने सोचा कि इसको यू नो वो होता है ना कि घर के कपड़े अलग बाहर के कपड़े अलग, मेरा तो ऐसा सीन है आपका है नहीं पता नहीं मुझे, तो इसको मैं अब घर पे पहनने के लिए निकाल लूंगी, तो इसलिए मैंने इसको एक बार वेयर कर लिया। फिर मैंने सोचा हॉल में दिखा देते, तब तक इसको नहीं वेयर करना कहीं भी बिकॉज थोड़ा भी डर्टी हो जाता है ना फिर हॉल में, बहुत अच्छा सा नहीं लगता। तो इसके साथ ना आपको ये बॉटम्स में मिलेंगे ये पैंट्स, मतलब ट्राउजर मिलेगा, मतलब पजामा मिलेगा इसके साथ आपको बॉटम में, तो इसमें ना आपको पॉकेट्स भी मिल रही है, तो ये चीज बहुत कहाँ गई इसकी एक और पॉकेट, ये रही, तो इसमें आपको पॉकेट्स भी मिल रही है, बहुत ही अच्छी बात है। इलास्टिकेटेड है एंड आई मीन दिस साइज स्मॉल। अच्छा, एक और चीज बताना है कि इसमें अपना एक साइज बड़ा ही लेना, वैसे तो अपना परफेक्ट साइज लोगे तो भी फिट आ जाएगा, लाइक मैं ना एस और एम में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो वो वाला सीन है, क्योंकि अभी मैंने वेट गेन किया, तो मेरा पहले एस पहना करती थी लेकिन अभी मुझे एम भी आने लग गया है, तो मैं वो थोड़ा सा मेरा माइंड सेट हो गया कि नहीं नहीं ऐसी पिक करना है। तो अगर मैं इसको एक साइज बड़े में लेती तो इसका लुक और भी कूल आता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लूज लूज लगता तो बेटर लगता, तो ये मेरे को बिल्कुल फिटेड वाला लुक दे रहा है। तो अगर आपको थोड़ा लूज पसंद है तो एक साइज बड़ा बाय करना अपने से, तो ये मेरा एस बाय के है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, मतलब इसका कुछ इस टाइप का इलास्टिकेटेड है एंड ये फुल आपको इस टाइप का लुक देने वाला है। तो अभी ये थोड़ा सा टाइट आ रहा होगा, अगर आप एक साइज बड़ा लोगे तो थोड़ा लूज पजामा लुक आ जाएगा इसमें अच्छा सा, तो मुझे काफी अच्छा लगा। बॉटम में आपको ऐसा कुछ लुक मिलेगा, तो ये बैक और फ्रंट में सेम ये प्रिंट हो रखा है, जो इस पे ब्लू ब्लैक एंड पिंक एंड डार्क पिंक है ना कुछ का, तो बहुत क्यूट सा लुक दे रहा है ये। और इसका जो अपर है उसको तो आप यू नो अभी मैं इसको एक दो बार और पहन सकती हूँ बाहर, फिर इसको मैं डेली वेयर के लिए निकालूंगी, बट ये क्रॉप है तो क्रॉप ना घर पे तो क्या ही पहनोगे, ठंडी तो लगती है, मतलब फैशन थोड़ा भारी हो सकता है घर पे यार, आपको फुल स्वेटर्स वगैरह ये सब बिल्कुल पैक होके रहना पड़ता है, मतलब वैसे ही बेटर लगता है, ऐसे क्रॉप आप घर पे तो नहीं पहनोगे। सो इसको ना जीन्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह के साथ स्टाइल कर सकते हो, तो कुछ आपको इस टाइप की हुडी मिलती है इसके साथ क्रॉप में एंड बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की फुल स्लीव्स में मिलेगी एंड ये देखो आपको
ये लुक मिलेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा इलास्टिकेटेड मिलेगा, तो ये बिल्कुल ऐसे आप इसको बहुत ही अच्छा सा लुक दे सकते हैं। और इनकेस अगर आप पे क्रॉप नहीं आ रही तो इसको थोड़ा और क्रॉप लुक दे सकते हैं। तो मुझे काफी अच्छी ये हुडी लगी इसके साथ। दिस इज हाउ द बैक लुक्स लाइक। तो अगेन ये भी बिल्कुल फिटेड लुक दे रही है मुझ पर। सो मुझे बहुत 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 पसंद आई दोनों ही चीजें, तो आप जरूर बाय कर लेना। फोन गिर गया मेरा। और इसका प्राइस कुछ 650 समथिंग था, तो उसके अकॉर्डिंग 650 के अकॉर्डिंग बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि यार फैब्रिक भी अच्छा है इसका, और अभी तक एक ही बार वेयर किया है। अगेन मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, और थोड़ा वॉर्म्थ भी प्रोवाइड करता है। मैं नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा ही, बट हाँ थोड़ा बहुत करता है। तो आप जैकेट लेयर कर सकते हैं लाइक इस टाइप की कुछ इसके ऊपर, एंड फोटोज के लिए जैकेट रिमूव करके पोस्ट दे दो। सो दैट्स इट। अच्छा, मैंने एक स्कर्ट ऑर्डर की है, तो वो मैंने ऑर्डर कुछ और की थी एंड मुझे रिसीव कुछ और हो गई। तो ये वाला लोचा बहुत ज्यादा आजकल मीशो पे हो रहा है कि आप कुछ कुछ ऑर्डर और कर रहे हो, रिसीव कुछ और हो रहा है। तो ये मेरे साथ ये वाला हो गया, और मैं इसका ट्राई ऑन आपको नहीं दिखा पाऊंगी, आई एम सॉरी, बिकॉज इट्स टू शॉर्ट एंड इसमें तो मेरे बट्स भी कवर नहीं होंगे बिल्कुल भी, बिकॉज मेरे हैवी बट्स है, तो इसलिए तो मैं इसका ट्रायल आपको नहीं शेयर कर पाऊंगी, तो ये माइंड मत करना। ओके, तो इसको मैंने थोड़ा सा लॉन्ग स्कर्ट ऑर्डर की थी, बिकॉज मुझे मैंने सोचा कि क्रिसमस पे ना व्हाइट टॉप, एंड मैंने आपके साथ पिछले हॉल में शेयर भी किया था, बट है मतलब लाइक विंटर कैप थी रेड कलर की वो, एंड देन ये स्कर्ट होगी चेक्स में, तो बहुत ही प्रिटी प्रिटी लुक आएगा। मुझे लगा मैं बहुत क्यूट सी लगूंगी, बट मेरे साथ धोखा हो गया, तो मेरे को ये वाली स्कर्ट रिसीव हो गई। जस्ट लुक एट द साइज गाइस, आई मीन मैं नहीं वे कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी लाइक किसी भी चीज को कवर नहीं करेगी, तो बहुत ही अनकंफर्टेबल मुझे फील होगा। इन केस इफ यू आर कंफर्टेबल देन डेफिनेटली आप इसको बाय करो, बिकॉज काफी अच्छा लुक आएगा नो डाउट। तो आपको कुछ ऐसा चेक प्रिंट में स्कर्ट मिलेगी, एंड इलास्टिकेटेड स्कर्ट है। ओके, अगेन वेस्ट साइज भी इसकी काफी बड़ी है, लाइक मैं 38 हूँ, तो मेरे को लगता है मेरे पे लूज ही लगेगी, या तो लूज है ये। एंड देन आपको फिर यहाँ पे ये कुछ इस तरह की डिटेलिंग मिलेगी, चेक प्रिंट में है। मैंने सेम चेक प्रिंट में ऑर्डर किया था। मैंने क्या ऑर्डर किया था, मैं यहाँ आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी पिक, एंड मुझे क्या रिसीव हुआ है वो आप यहाँ देख लो। तो ये बहुत ज्यादा शॉर्ट है, सो इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगी, बिकॉज फैब्रिक तो अच्छा है लेकिन ये कुछ कवर ही नहीं करेगी, तो पहनने का कोई सेंस ही नहीं है, तो इसलिए ये तो रिटर्न जाएगी मेरी। लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट है इस हॉल का वो है ये। तो ये हाईनेक है, ये आप देख रहे हो कट स्लीव्स में, लेकिन गाइस ये बहुत ही फॉर्म प्रोवाइड करती है। लाइक इसके वो मैंने समर में बाय किया था, ट्रस्ट मी, बट ये समर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज समर में इसमें आपको बहुत ही इरिटेशन होगी। तो विंटर में जैसे आपको मैं स्टाइल करके दिखाऊंगी, तो अभी इसी जैकेट के साथ ही इसको स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ, तो आप देख रहे इसका लुक कितना अच्छा होता है। हाईनेक है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसके साथ आप यू नो लेयर्ड चेन्स वगैरह स्टाइल कर सकते हो। मैंने किसी दो यूट्यूबर की वीडियो में देखा था इसको, देन मैंने बाय किया था। तो ये कुछ इस टाइप का, इसका कलर देखो कितना प्रिटी है, एंड ये बहुत ही लॉन्ग मिल जाती है, तो इसको टकिन ही करना पड़ेगा, बिकॉज अगर टकिन नहीं करोगे तो फिर आपको यू नो थोड़ा वन पीस भी नहीं बनेगा, ये पूरा सा पूरी सी टॉप भी नहीं बनेगी, तो इसको टकिन करके ही वेयर करना, बहुत सुंदर लगेगा। इसका जो मटेरियल है दैट इज रिप्ड, आप पास से देख सकते हो, एंड बैक से आपको कुछ इस टाइप का लुक देगा। आई मीन दिस आर स्मॉल, मेरे को परफेक्टली फिट आया है, मतलब बिल्कुल ऐसा फिटेड बोलते हैं ना वो वाला लुक है इसका। अगर आपको लूज पसंद है तो अपना एक साइज बड़ा आप ले सकते हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा गाइस मीशो का हॉल, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इनमें से क्या आपको पसंद आया वो भी बताना। और मेरे साथ इस बार थोड़ी गड़बड़ हो गई, मीशो में मेरे साथ गड़बड़ होती नहीं है, बट इस बार पता नहीं मेरे साथ दो चीजों में लोचा हो गया। एक तो मैंने जो फ्लिप फ्लॉप ऑर्डर किया उसमें को डिफरेंट कलर प्लस रॉन्ग साइज रिसीव हो गया, और ये जो मैंने ये करी मैं आपको दिखा दूंगी मैंने क्या ऑर्डर किया था, और ये मैंने स्कर्ट जो ऑर्डर की थी ये भी मेरे को डिफरेंट रिसीव हो गई, तो ये लोचा हो गया। सो दैट्स इट। तो चलो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय, आई लव यू।